आज मैं आपको मस्तांग का मरफा विलेज दिखाने वाला हूँ। यहाँ तो बड़ी नहरों गली है। नमस्कार, ये विस्की के लिए फेमस है। आपका गांव बहुत सुंदर है। याक का चटाई है, बहुत भारी है ये तो। तुम इधर ही का है? You are my fan. Apple wine के लिए भी काफी ज़्यादा famous है। भाई सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे बाइक अंदर अलाउड है। हाँ, दिल्ली। थैंक यू। इसको क्या बोलते हैं इस जगह को? ये भाई साहब यहाँ से छोटी सी नहर निकल रही है साइड में से। भी लोकल ड्रेस फॉर रेंट यार, वैसे पैदल घूमने वाली जगह थी। नेपाली में बोलते हैं। भाई लास्ट व्लॉग में मैं आपको मस्तांग के मुक्तिनाथ मंदिर लेके गया था, और आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मस्तांग का विस्की विलेज। भाई अगर आप लोग भी मस्तांग आ रहे हो ना, तो भूल के भी इस विलेज को मिस मत करना भाई। भाई पूरे मस्तांग में ना एकमात्र यही वाटर क्रॉसिंग पड़ी है, और इसमें मैं गीला नहीं होना चाहता। वैसे बाइक में पावर तो है भाई, धोखा नहीं देती है। भाई ये है मारफा गांव, तो चलो गांव में थोड़ा घूम के आते हैं। और जहां तक बाइक जाएगी हम भी वहीं तक जाएंगे, अगर जहां बाइक नहीं जाएगी वहां हम भी नहीं जाएंगे। बाइक अलाउड होगी अंदर? बाइक लेके जा सकते हैं? बाइक जा सकते हैं अंदर? गांव में भी नहीं अलाउड है? गांव में तो अलाउड होगी। हाँ ओके। मेरे को तो लग रहा है यार बाइक चली जानी चाहिए अंदर, मेरे पे ज़्यादा टाइम भी नहीं है। एक काम करते हैं, आगे से एक और रास्ता है ना इस गांव में अंदर जाने का, वहाँ से चलें क्या? हेलो नमस्ते आदाब एंड सत श्री अकाल, कैसे मेरे भाई लोग? भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। तो भाई जी मैंने आपको मस्तांग तो दिखा दिया, आपको मुक्तिनाथ भी दिखा दिया, अब ना आपको मस्तांग का कोई विलेज दिखाते हैं। भाई मैंने सुना है कि मस्तांग में ना जो मस्तांग का सबसे पुराना विलेज है वो मारफा विलेज है, और बहुत खूबसूरत है, और वन ऑफ द हिस्टोरिकल विलेज है भाई मस्तांग का। तो आज मैं आपको मस्तांग का मारफा विलेज दिखाने वाला हूँ, और ये विलेज भाई अपनी एप्पल वाइन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे एप्पल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे वैसे लोकल लोग भी अपने घर में वाइन बनाते हैं। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। हेलो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। यस, नेपाली में बोल दो एक बार। उसको सब्सक्राइब यार, उसको चैनल। ये तो हिंदी हुआ यार, नेपाली तब एक सर चैनल सब्सक्राइब। हाँ, तो मेरे को सब्सक्राइब करो। चैनल क्या था भाई? चैनल मेरा ये रहो, हमारा चैनल ये रहो। ठीक है, तो चलो आपको मारफा विलेज में लेके चलते हैं। दिख रहा होगा आपको मेरे पीछे काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर विलेज है भाई और काफ़ी सुंदर है। अभी आपको अंदर से दिखाते हैं। सब्सक्राइब प्लीज ना, तुम भी आ रहे हो मेरे ब्लॉग में, आप तो करोगे सब्सक्राइब। ओके बाइक यहाँ से अलाउड नहीं है, शायद एक और रास्ता मैंने नीचे से देखा था, शायद वहाँ अलाउड हो, तो वहाँ से देखते हैं। क्या पता वहाँ से अपन लोग चले जाए। भाई साहब सामने देखो कैसे धुआं उड़ाते हुए आ रहा है। तो भाई जी मस्तांग के ओल्डेस्ट विलेज में और हिस्टोरिकल विलेज में आपका स्वागत है। इसका नाम है मारफा विलेज। जब आप मस्तांग में आएंगे और मुक्तिनाथ की तरफ जाओगे ना, तो बीच में ये गांव पड़ेगा, और ये गांव ना फेमस है, यहाँ पे एप्पल की काफी सारी वाइन्स वगैरह रम वगैरह बनती है, तो उसका भी ये काफी ज्यादा फेमस है। हम आपको लेके चल रहे हैं मारफा गांव में, और दिखाते हैं भाई मारफा गांव कैसा दिखता है। सुना है यहाँ पे काफी पुराने पुराने घर बने हुए, और पुराना जो इतिहास है यहाँ का वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस विलेज में। एक्चुअल मस्तांग मारफा में आपको देखने को मिलेगा। देख के आते कैसा है मस्तांग का सबसे पुराना गांव मारफा। थोड़ी अपने पास टाइम की शॉर्टेज है, इसीलिए हम लोग गांव बाइक से घूम रहे हैं। ठीक है, और बाइक अलाउड है मैंने पता कर लिया यहाँ पे, और साथ में मैंने ना 360 भी चला लिया, ताकि आपको मेरी बाइक के साथ में ना पूरे गाँव का अच्छे से व्यू मिले, और आपको भी पता लगे कैसा है भाई ये गांव। गांव किस साइड है भाई? गांव के स्टार्टिंग में यहां पे एक स्कूल भी है, ये पीले कलर का जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये गांव का स्कूल है। ऐसे कुछ घर है भाई यहां पे। ओ भाई इसके अंदर से जाना होगा क्या?
चलो इसके अंदर से चलते हैं भाई साहब। भाई काफ़ी पुराना सा गांव है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी भाई? बाइक अलाउड है इधर? बाइक अलाउड नहीं है। बाइक अलाउड नहीं है? मैंने बाहर पूछा था, बोल रहे थे कि अलाउड है। हाँ नहीं भाई, गेट पे पूछा था मैंने, शॉप वाले से कह रहे थे अलाउड है। सामने क्या है? भैया जी, बाइक अलाउड है इसमें? अलाउड है, चल सकते हैं ना? तो भाई जी हमने पता कर लिया, भैया कह रहे हैं बाइक अलाउड है, तो थोड़ा सा आपको बाइक से ही घुमाएंगे क्योंकि अपने पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है। जा सकते हैं ना भैया? तो जा सकते हैं। लोकल का चलेगा? हाँ सही बात है, इसलिए मैंने भी 3 बार पूछ लिया। एक बंदा मना करेगा, 2 बंदा मना करेगा। दिल्ली? चलो भाई आपको दिखाते हैं मस्तांग का हिस्टोरिकल विलेज। और भाई सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे बाइक अंदर अलाउड है, आराम आराम से धीरे धीरे चलेंगे और आपको पूरा गांव दिखाते हुए चलेंगे भाई, ठीक है? ओए भाई साहब, भाई यहाँ तो बड़ी नैरो गली है। सॉरी भाई, आ तो रही है बाइक यार, बाइक अलाउड है। भाई ये क्या बनाया हुआ है? पूरी खाल का है। हाँ इसकी किसकी स्किन का है? अरे वाह, ये याक का? अच्छा बड़ा मोटा है ये, तो खराब नहीं होता होगा ना? ड्राइड है, खराब नहीं होता। अच्छा ओके। हाँ हाँ दिल्ली, थैंक यू भाई साहब। बहुत ज्यादा क्राउड है वैसे, बाइक अलाउड है लेकिन। हेलो होटल माउंट विला। और भाई साहब यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी शॉप भी हैं, लोकल ड्रेस फॉर रेंट, होटल माउंट विला। भाई साहब काफ़ी सही विलेज है यार, वैसे पैदल घूमने वाली जगह थी लेकिन अपने पास थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, नहीं तो मैं आपको पैदल घूम घूम के ही दिखाता, लेकिन ठीक है आपको बाइक से कुछ अच्छा व्यू मिलेगा। ब्रदर क्या बात है भाई, भाई सब सारे लोग साइड में खड़े हो गए, ऐसा लग रहा है मेरे स्वागत में खड़े हैं। प्लीज़ यार प्लीज़, ये चैनल का नाम आगे लिखा हुआ सब्सक्राइब कर देना। ओके थैंक यू। कैंपिंग स्पेस अवेलेबल। भाई साहब यहाँ पे आना तो बनता है, मस्तांग आ रहे हो तो मार्फा विलेज में ज़रूर आना भाई, इतना सुंदर गांव और सही में हिस्टोरिकल है यार, कुछ अलग ही टाइप का है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। भाई लगभग ना जितने भी घर बने हुए हैं सारे एक ही डिजाइन के, एक ही शेप में, एक ही तरीके से बने हुए हैं, वैसे ही है यार जैसे हमारे पहाड़ों में जैसे घर होते हैं ना उसी टाइप के बनाए हुए हैं, छोटी छोटी दरवाजे हैं, पूरा लकड़ी का और मिट्टी का बना हुआ है। ये देखो
कुछ इस तरह के पत्थर लगा लगा के छोटी छोटी पट्टियाँ जोड़ जोड़ के बनाए हुए हैं। भाई साहब क्या ही गांव है, खूबसूरत। तो यहाँ पे देखो भाई, जैसे हमारे गांव में पंधेरे होते हैं ना, वैसे ही पंधेरा। नमस्कार, क्या बोलते हो आप इसको, पंधेरा? पंधेरा बोलते हो इसको? क्या बोलते हो इस जगह को? लुका। भाई हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में तो पंधेरा बोलते हैं। नमस्कार, और ये भाई साहब यहाँ से छोटी सी नहर निकल रही है साइड में से, बढ़िया यार। घर देखो यार, क्या क्लासी घर बनाए हुए हैं। तो भाई हम गांव से एग्जिट हो चुके हैं और अब भाई यहीं से हम दोबारा वापस चलेंगे, क्योंकि अपने को ना दोबारा से गांव दिखाना है आपको अच्छे से। मस्तांग में ना मार्फा की वाइन भी बहुत फेमस है, यहाँ पे एप्पल काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे एप्पल की वाइन भी बनती है। वैसे तो लोकल लोग अपने घरों में भी बनाते हैं, और यहाँ पे काफी सारी फैक्ट्रियां भी हैं जो कि यहाँ पे वाइन्स वगैरह बनाती हैं। अभी वैसे तो मैंने आपको पूरा विलेज दिखा दिया, अगर क्या बोलते हो दोबारा चले क्या? मेरा मन कर रहा है दोबारा एक बार एंट्री करते हैं और दिखाते हैं आपको मार्फा विलेज दोबारा से। इस तरह का ना कोई विलेज मैंने पहले ही बार देखा है, ऐसा विलेज मतलब लद्दाख में भी कोई मैंने ऐसा विलेज नहीं देखा यार, और काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ यार पूरे गाँव को। तो चलो यार यहीं से बाहर निकलेंगे, यहीं से हमने एंट्री किया था, एग्जिट भी यहीं से लेते हैं। छोटा सा ही गांव है यार, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन काफी हिस्टोरिकल है यार। 360 भी ऑन कर लेते हैं ताकि आपको 360 का व्यू मिलता रहे। हेलो जी, साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज, सॉरी। हेलो। और भाई मेरा ना इधर से आने का एक वजह ये भी है कि मेरे ना बाइक पे आगे चैनल का नाम लिखा है और लोग ना बहुत नोटिस कर रहे हैं, तो लोग सब्सक्राइब कर देंगे शायद। हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया, इंडियन ब्लॉगर, सॉरी। आराम आराम से चलेंगे भाई, आराम आराम से, लोग बहुत ज्यादा चल रहे हैं ना इसमें, आराम आराम से साइड साइड में चलेंगे, हॉर्न नहीं मारेंगे। और भाई साहब यहाँ पे लोग देखो पुराने पुराने डिजाइन के कपड़े पहन के भी घूम रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। पहले गियर में चलेंगे भाई, थैंक यू। नमस्कार, आपका गांव बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये क्या चटाई, किस चीज की है ये? याक का चटाई है। कितना पुराना है? दो साल है। दो साल पुराना है, अच्छा। याक के कारपेट है, दिखाना। अरे बहुत भारी है ये तो, इसको सुखा के बनता है क्या? ये पीछे स्किन है कि कुछ चिपकाया आपने? स्किन है, मासू, मीट है, ओके। ये अच्छा सींग है। कितना पुराना है आपका गांव ये वाला? 600-700 वर्ष पुराना है। अच्छा, सारे घर यहाँ पे ऐसे हैं। ये याक का सर है। अरे वाह, अच्छा जी, नमस्कार। भाई साहब थोड़े से प्रेयर व्हील भी घुमा देते हैं हम। यहाँ पे सबने लगभग अपने घरों के बाहर देखे ऐसे याक की चटाई रखी हुई है यार। किसी के घर के अंदर चल सकते हैं क्या?
कोई घुसने देगा हमें? ब्रदर तुम इधर ही का है, हिंदी आता है? हम किसी का घर में जा सकते हैं अंदर देखने के लिए? किसी का घर देख सकते हैं अंदर से? नहीं देख सकते, अलाउड नहीं है। ओहो तो दिक्कत हो गई यार, चलो बाहर बाहर से देखेंगे। अरे वाह, भाई साहब याक याक है। अरे वाह, यस फर्स्ट टाइम इन मार्फा, थर्ड टाइम इन नेपाल। सॉरी यू सो मैनी टाइम्स। ओके थैंक यू, यू आर माई फैन। तो भाई जी मिले यहाँ पे मार्फा विलेज में, ये बता रहे हैं कि इन्होंने मेरे काफ़ी सारे पुराने व्लॉग देखे हैं। ये याक का सर है, कितना पुराना होगा ये? ये खराब नहीं होता ऐसे? ओके 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 ओह वाओ, फॉर लॉन्ग देन 10 इयर्स, 10 साल तक ऐसी रहेगा? अरे वाह। तो भाई साहब देखो पूरा, सॉरी आई एम गोइंग टू पोखरा। यस मे बी ट्राई, इफ आई विल नॉट रीच आई विल स्टे समवेयर इन मिडिल। ओके नाइस टू मीट यू, कैन आई क्लिक वन पिक्चर? तो भाई जी हम लोग ना मार्फा विलेज से बाहर आ चुके हैं। अब विलेज से बाहर आते हैं ना, यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ से हम कुछ लेके जाएंगे अपने घर के लिए। भाई जी ब्रदर कुछ दे दीजिए हमें। पारू मार्फा पारू, ये कौन कौन सा? सारा एप्पल का है? ओके मार्फा 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 मार्फा। ये कांच की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल भी है कोई? कांच का टूटने का खतरा है थोड़ा ना। दे दो एक बोतल दे दो। ये कितने का पारू, कितने का है? 750। और ये मार्फा पारू 800, ये वाला 800, और ये वाला नहीं, ये वाला ये 800। दिखाओगे चारों बोतल एक एक? ओके तो भाई जी हम लोग मार्फा में आ गए, और मार्फा में बताया था ना मैंने आपको अपनी विस्की के लिए फेमस है, तो जो मार्फा की टॉप की ब्रांड है ना वो यहाँ पे हमारे सामने है, और ये सारी ब्रांडिंग यहीं बनती है मार्फा में। एक ये है प्रीमियम क्वालिटी मार्फा जॉनसन माउंटेन ब्रांडी, ये कितने की है? 800 रुपए की। 750 मार्फू पारू ब्रांडी, ये 850, ये 800, ये 750, ये 900, ये 1300। ओके तो चलो इनमें से कोई एक लेके जाते हैं अपने पिताजी के लिए। तो भाई जी हम ना ये वाला लेके जा रहे हैं, भाई जी बता रहे हैं ये वाला बढ़िया है, ये वाला ले जाओ। और ये मिला हमको 800 रुपये का। यहाँ पे ना एक दाल रुकती है, यहाँ की फेमस दाल है, इसको शिमी की दाल बोलते हैं। ये भी लेके जा रहा हूँ मैं अपने घर, और ये 200 रुपये का आधा किलो है। ना मार्फा विलेज से निकल चुके हैं, अब ना रोड बहुत ज़्यादा ख़राब मिलने वाली है। देख लो कैसी रोड है, इससे भी ज़्यादा ख़राब मिलेगी। अब ये ना मार्फा से निकलती थोड़ी सी रोड सही आती है, फिर रोड वैसी आ जाएगी। भाई यहाँ पे सीन क्या कि बीच बीच में इतनी बढ़िया रोड आती है, लेकिन होता है क्या कि तुरंत सडन ना भाई साहब रोड बिल्कुल खराब हो जाती है। तो अगर आप भी आओगे मस्तांग में तो ऐसी रोड मिले ना तो भगाना मत भाई, आराम से चलाना। कुछ नहीं पता आगे वाले कट पे भाई साहब कंकड़ पड़ी हो, जहाँ तक आपको रोड सही दिखाई दे रही है ना उस हिसाब से चलाओ। अगर आपको रोड सही नहीं दिखाई दे रही भाई साहब स्पीड में लेना ही मत। और सामने तो माउंटेन देखो क्या क्रेजी लग रहा है, आज बादल बहुत ज़्यादा है यार, स्नोफॉल होने वाला है क्या? हाँ जी हाँ, क्या समझा नहीं क्या बोल रहे हो?
हैन वहा साथी थियो हाम्रो साथी ह लेते सबन सँगै त्यहाँ पछाडी हालेर लैजिने सम्झने क्या बोल रहे हो सम्झने क्या बोल रहे हो साथी के मेरो साथी ह लेते सबन लिप बाइकमा उतार लानु हुन्छ के भनेर इसमें बैठ नहीं पाओगे ना जगह ही नहीं है जगह नहीं है बैठ नहीं पाओगे इसमें सामान रखा हुआ है ना इसीलिए हाँ नहीं तो मैं ले जाता देखो मैं इसकी बात कर रहा था कितनी बढ़िया रोड थी एकदम से देखो क्या गड्ढे आ गए रोड पे इतनी खराब रोड आई है मतलब यहाँ पे ऐसे ये भाई बढ़िया रोड देख के ऐसे मत सोचना कि भगा लूं मैं और सामने का पुल देखो भाई कितना ऊंचाई पे है चढ़ी गई सेकंड गियर मुझे लगा था फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा मोमेंटम बना के रखना पड़ता है ना मोमेंटम बना हो तो चढ़ जाती है देखो फिर आ गई बढ़िया रोड एंजॉय करो बढ़िया रोड को क्या दिक्कत है खराब रोड ज़्यादा देर एंजॉय कर ही नहीं पाते हैं 500-500 मीटर की रोड बना रखी है इसकी बीच बीच में रास्ता में थोड़ा सावधानी से बीच बीच में थोड़ी रोड अच्छी है उसमें अगर भगाओगे कुछ नुकसान हो सकता है तो थोड़ा यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पे चढ़ानी पड़ रही है गाड़ी फिर आगे देखो बढ़िया रोड कितनी देर तक की होगी पता नहीं और देखो भाई सब कोई बोल सकता है कि इतनी खराब रोड होने के बाद इतना अच्छा रोड आएगा बीच बीच में तो इतनी अच्छी रोड आती है कि मन करता है कि हाँ भाई क्या रोड है लेकिन फिर वही वाला हिसाब किताब हो जाता है रुकने जी सर हाँ जी नाम विकास हाँ भाई ये जो गांव देख रहे हो ना आप इस गांव का नाम है लेते लद्दाख जाते टाइम भी पड़ता है लेते गांव भाई साहब ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं भाई ये देखना कैसे चलेगी इस पे गाड़ी ऐसी तैसी कर देगी ये तो इंजन की आराम से अरे नहीं अरे तेरी और भाई साहब दोनों टायर उठ गए एक साथ ही अरे बाप रे भाई यहाँ स्लिप हो सकती है गाड़ी अरे अरे रे 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 भाई साहब कलेजा ना मुंह को आ गया था तेल भी बिल्कुल खत्म होने वाला है अब बैनी में ही मिलेगा पेट्रोल पंप जो मिलेगा बीच में कोई गांव पड़ेगा तो वहां से 1-2 लीटर तेल लेके डाल लेंगे गाड़ी में भाई जी हम लोग तातो पानी पहुंच गए यहाँ पे नेचुरल हॉट स्प्रिंग है तो यहाँ पे लोग नहाते धोते भी हैं रुकना मुक्तिनाथ की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे आप नहा भी सकते हो आराम कर सकते हो ऐसे कई हैं यहाँ पे बेनी करके एक शहर आने वाला है तो वहाँ पे मेरे को रिफ्यूल करवाना है और दूसरा टायर देखवाना है यार मुझे टायर ना पीछे का थोड़ी हवा कम लग रही है या पंचर है और दूसरा ये हैंडल भाई हैंडल ढीला हो गया है बार बार नीचे को झुक जा रहा है और मुझे ना इसको ऐसे करना पड़ रहा है देखो ऐसे करके इसको ऊपर करना पड़ रहा है भाई जी हम लोग बैनी पहुँच चुके अब यहाँ पे सबसे पहले तेल डलवा लेते हैं तेल तो बिल्कुल लुप 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 हो रहा है देख रहे हो बिल्कुल ख़त्म ही है तेल तो डल गया अब ना हवा डलवानी और तेल आया भाई 10 लीटर 1700 रुपये का भाई हवा तो बिल्कुल ही ख़त्म लग रही है इसमें पोखरा पोखरा अच्छा अरे मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूँ सर कुछ नहीं किया हुआ मैंने हाँ जी सर मैं मुक्तिनाथ से आ रहा हूँ सर थैंक यू जिंदगी में आज पहली बार ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट हुआ भाई मेरा यहाँ से जो आगे का रास्ता है ना भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है ठीक है देखते हैं बता रहे हैं सब 2 घंटे लगेंगे और अभी 7:30 ऑलरेडी हो चुके 9 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा पोखरा देख लो भाई अब कुछ ऐसे रास्ते आने वाले हैं दिख रहे है क्या दिख तो रहा ही होगा ये तो कुछ भी नहीं है अभी इससे भी ज़्यादा ख़राब रास्ते मिलेंगे अभी आगे बागलून पहुँच चुके हैं बागलून वही जगह है जहाँ से मुक्तिनाथ का जो रास्ता कटता है
और यहीं से भाई पूरा ऑफ रोड स्टार्ट होता है। अब इसके बाद मेरे को रोड चकाचक मिलने वाला है। सो भाई जी अपन लोग पोखरा में पहुंच चुके हैं, लगभग 1 किलोमीटर मेरा होम से रह गया, लोकेशन लगाई हुई है। अब बस वो रूम मिल जाए, वहां पे मैंने ना बुक नहीं किया ऑनलाइन। सो गाइस फाइनली ना मैं अपने हॉस्टल में पहुंच चुका हूँ। भाई साहब मैंने ना इनको आने से पहले बोला भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी भाई, मेरे को एक रूम यहाँ पे बचा वो मिल गया। और जो मेरे को रूम मिला है ना भाई, वो मिला है मात्र 300 रुपए इंडिया के हिसाब से। भाई रूम वूम यहाँ पे सस्ते हैं नेपाल में, अगर आप आ रहे हो ना तो आपको रूम वूम की टेंशन नहीं लेनी है। बस खाना पीना थोड़ा सा यहाँ पे महंगा है, इंडिया से महंगा है, बाकी यहाँ के हिसाब से तो यार इन यहाँ पे ना इतना अनाज उगता नहीं है, तो ये सारा मेरे हिसाब से इम्पोर्ट ही होता होगा इंडिया से या आसपास की कंट्रियों से, तो इस वजह से यहाँ पे खाना पीना महंगा है। तो हॉस्टल में पहुंचते पहुंचते भाई साहब 12:30 बज चुके हैं। मेरी बाइक यहाँ पहुंचते पहुंचते कम से कम 2 से 3 बार गिरी है। एक बार तो क्या हुआ, मैं झाड़ी की तरफ से निकल रहा था और वहां पे ना एक तार थी, उस तार में मेरा पैर फंस गया और बाइक आ गया, मैं पीछे रह गया, बहुत गंदी तरीके से मिगरा हुआ था। वहाँ पे कुछ लोकल से उन्होंने मेरी हेल्प करी, मैंने उठा लिया, वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कैमरा ऑन नहीं था, और ऐसे में कहाँ ही याद आता है पहले कैमरा ऑन कर लूँ। तो सही सलामत अपने हॉस्टल में पहुंच चुका हूँ और कल ना मैं यहाँ से निकलूंगा भाई इंडिया नेपाल बॉर्डर के लिए। मैं ना वहीं पर जाकर डिसाइड करने वाला हूँ कि मैं अपना नेपाल का भंसार कुछ दिन के लिए और बढ़ाऊँ, या तो मेरा जो ऑफिस का काम है उसको मैं निपटा के दोबारा से नेपाल आऊँ और अपनी राइड कंटिन्यू करूँ, ठीक है। और नेपाल राइड खत्म होने के बाद ना भाई सब बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे पास, ना 2-3 ऑप्शन है, आप बताओ कि मैं कहाँ जाना चाहिए। या तो मैं नॉर्थ ईस्ट राइड करूँ 2 से 3 महीने की वो राइड होगी, या तो मैं गुजरात करूँ या राजस्थान करूँ, जहाँ के मेरे को कमेंट ज्यादा आएंगे मैं वहीं चला जाऊंगा। और एक चीज और यार, होली आने वाली है तो वृंदावन की होली तो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, आपको वृंदावन की होली देखने तो वही मुझे बताना, तो वहां भी मैं जा सकता हूँ, वो भी एक प्लान में है। अभी के इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे खूबसूरत ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।